वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ आज नीचे और मैंने खोला अपना मेन गेट। सो गाइस, सुबह सुबह मेन गेट खोलने पे ना इतनी ठंडी हवा चलती है और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में तो ज़्यादातर जब आप छत पर जाओगे या बाहर निकलोगे ना तो हवाएं सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है, क्योंकि 10 बजे के बाद तो गर्मी इतनी बढ़ जा रही है ना कि फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो सुबह की शुरुआत बहुत ही ताजगी और फ्रेशनेस से हुई और उसके बाद मैं आ गई ऊपर। फिर बिठाया मैंने अपने लिए एक कप पानी और पानी को करूँगी बॉयल और मैं अपनी बॉडी को करूँगी थोड़ी सी डिटॉक्स, क्योंकि सुबह सुबह अभी रात को हैवी खाना हो जा रहा है। मैं बता रही थी आपको पिछली वीडियो कि मुझे ना लेट से खाने की थोड़ी आदत पड़ गई है, तो सुबह उठने के बाद मैं नींबू और पानी लेती हूँ ताकि मेरा डाइजेशन सही रहे और खाना वगैरह अच्छे से पच जाए। वैसे तो मैं रात को कितना भी खाना खाऊं, खाने से पहले भी एक कप गर्म पानी ज़रूर पी के ही सोती हूँ। तो लीजिए जी, नींबू और पानी लेकर मैं बैठ गई हूँ। और सच बताती हूँ, नींबू पानी का टेस्ट मुझे एकदम पसंद नहीं आता है। नींबू पानी मैं तभी पीती हूँ या तो इसमें शक्कर हो या फिर नमक हो, लेकिन सुबह सुबह ना मैं शक्कर लेती हूँ और ना ही मैं नमक लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी। लेकिन मुझे इसका टेस्ट एकदम नहीं पसंद आता, इतनी मुंह मतलब सतरंगी मुंह बना बना के मैं पीती हूँ इसको और मेरे को ना टेस्ट एकदम उल्टी वाली आती है, एकदम पीने का मन नहीं करता। बट क्या करें, हेल्थ के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है और लेमन ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग को लेमन सूट भी नहीं करता है, जिनको ना सूट करे वो नहीं लीजिएगा, लेकिन मुझे ना लेमन पानी लेने की आदत है और मुझे सूट भी करता है। और नींबू और गर्म पानी पीने से ना पेट आपका हमेशा क्लियर रहता है और कंस्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है। सो इसीलिए मैंने लिया नींबू और पानी और अब चलते हैं हम नीचे। सो गाइस, मैं आई थी थोड़ा सा नीचे, बस ऐसे ही बैठने का मन कर रहा था और नीचे का एरिया ना थोड़ा सा खुला खुला है तो यहाँ पे वर्कआउट करने में मुझे ना ज़्यादा फ्री पड़ता है, तो बस थोड़ी देर बाहर बैठी थी और उसके बाद दरवाज़ा वगैरह लॉक कर दिया। मैं गर्म पानी वगैरह पी ली हूँ और यहाँ पे करूँगी मैं अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह मिल जा रहा है, स्पेस मिल जा रहा है, तो मैं अच्छे से कर ले रही हूँ। तो चलिए, टमी ट्रिमर लेकर आई हूँ मैं और एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आप एक्सरसाइज वीडियो एंजॉय करो और मैं पहले कैमरे को सेट करती हूँ। देखो, नॉर्मली काम हम करते हैं तो फटाफट ख़त्म हो जाती है, बट ये कैमरे के सामने जो करना होता है ना वो थोड़ा टाइम ले लेता है। तो फटाफट से कैमरे सेट करते हैं और उसके बाद टमी ट्रिमर वाली वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। ओके, सो गाइज, मैं अपना नींबू पानी लेकर आ गई हूँ नीचे। और सुबह सुबह के जो ड्रिंक होते हैं ना उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नींबू पानी ले लीजिए या फिर आप ABC एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, फिर धनिया का पानी ले लीजिए, मेथी का पानी ले लीजिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जिनको जो चीज़ें सूट करती है ना वो ले, और सुबह की शुरुआत बस इन्हीं सारी चीज़ों से करना चाहिए ताकि पेट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। और गाइज, एक्सरसाइज करने से पहले ना हमें गर्म पानी वगैरह ये सब पी लेना चाहिए और पीने के 5-10 मिनट के बाद ही वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है? और आप वर्कआउट कोशिश करो कि खाली पेट अगर करोगे ना, मतलब थोड़ा पेट खाली रहता है तो वर्कआउट बहुत अच्छे से होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वर्कआउट सुबह में ही कर लूँ और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जा रहा है वर्कआउट करने के लिए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले है ना आपको ना अपनी बॉडी को ना वार्म अप करना होता है। बिना वार्म अप किए आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना तो फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बस मैंने अपनी बॉडी को किया वार्म अप और फिर मैं अपनी एक्सरसाइज पर लग गई हूँ। पता है आपको, मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, मेरा वेट बहुत मेंटेन है, मतलब बहुत वेट नहीं है मेरा, बहुत अपनी वेट को मैं मेंटेन करके रखती हूँ। बट टेंशन क्या हो जाती है ना, अगर हम खाने पीने लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता, बस सडनली वेट हमारा गेन हो जाता है। और जब कभी जब हम चेक करने जाते हैं ना तो 1 kg, 2 kg, कभी तो 5 kg, फिर हमें टेंशन होती है।
तो देखो खाओ पियो कुछ भी करो बट कैलोरी बर्न करते रहना चाहिए अपना। तो कैलोरी कैसे बर्न होती है? कैलोरी बर्न होती है हमें बहुत क्या बोलती हूँ मतलब एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न होती है या फिर डाइट लेने से कैलोरी बर्न होती है। अगर आपने बहुत हेवी खाना खा भी लिया तो फिर आप ग्रीन टी वगैरह ले लीजिए। ग्रीन टी पीने के बाद सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को करने से आपकी कैलोरी बर्न होती है और आपका वेट जो होता है ना एकदम मेंटेन रहता है। तो योगा वर्कआउट ये सारी अपनी आप डेली लाइफ में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। इससे आपकी बॉडी हमेशा फिट रहती है। अगर जो ये सारे हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सारी चीज़ें करें तो आपकी बॉडी ना वेट कभी नहीं बढ़ने वाला है। तो मैं तो भाई अनुलोम विलोम बहुत कम ही करती हूँ लेकिन कपालभाति वगैरह नहीं करती हूँ बट लेकिन स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज देखो जिनकी बॉडी एक्टिव है पतली दुबली है वो तो कर ही सकते हैं, जिनसे नहीं हो पाता उसकी तो अलग बात है लेकिन अगर आप ये सब एक्सरसाइज करते हो तो फिर आप करो। तो गाइज उसके बाद बारी आती है टमी ट्रिमर की और ये जो टमी ट्रिमर है ना मैं कम से कम एक बार में 50 बार ऐसे करती हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप लेती हूँ मतलब सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बस उसके बाद मैं फिर करते रहती हूँ। तो फिर मैंने टमी ट्रिमर की एक्सरसाइज किया और इससे आपका बेली फैट और थाई फैट दोनों बहुत कंट्रोल रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देता है। तो बस आप देख सकते हो मेरी बॉडी कितनी फिट और हेल्दी है। तो इसी के साथ मेरी होती है वर्कआउट कम्प्लीट। और गाइज ऊपर आने के बाद थोड़ा मैंने पिया था गर्म पानी और फिर रेस्ट किया था फिर अपना कुछ काम किया और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। क्योंकि गाइज अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी ना तो सच बता रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी। मतलब कौन कौन अटेंडेंस लगाना कि वो टी लवर है, मुझे खाना एक टाइम ना दो चलेगा लेकिन मुझे चाय चाहिए। तो बस मैं बनाने आ गई थी चाय। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, मुझे ना किसी और के हाथ की चाय भी पसंद नहीं है, देख सकते हो ये सिर्फ मैंने अपने लिए चाय बनाई है बट फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा चाय बन गई है। और मैं चाय को बहुत अच्छे से बॉयल करती हूँ तो मेरे चाय बनाने का और पीने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मुझे सबके हाथ की चाय भी पसंद नहीं आती है तो मेरा स्पेशल चाय मेरे हाथ से ही बनता है। और गाइज ये चाय की क्वांटिटी जो देख रहे हो ना ये मेरी नहीं है, इसमें से मैंने अपने और लोगों को भी थोड़ा सा चाय दे दिया था, बहुत ज़्यादा बन गया था लेकिन एक ही ग्लास में मैंने डाल लिया था फिर कप में इसको हाफ कर दिया था। और यहाँ पे देखो मैंने आप सभी को क्लियर किया भी है कि इतना चाय मैं अकेले नहीं पीऊँगी, इसमें से थोड़ा सा और लोगों को भी दे दूँगी। तो इतना चाय गर्मी में कौन पीता है आप ही बताओ, बट गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो चाय मतलब चाय चाहिए मतलब चाहिए। क्या लगाए हो सर में, तेल लगाया आज? बाबू सो के जगह है और खुद से बोला है कि मामा मुझे तेल मालिश कर दो, खुद से बोले हो? हाँ। क्या बोले हो? तेल मालिश। क्या तेल मालिश करने के लिए? मामा को बोले हो? हाँ। क्या आज बाबू का पैर दर्द कर रहा था और मेरा बाबू खुद से बोला है कि मामा मेरा तेल मालिश कर दो। आप करो, बोलो तो कैसे करते हो? कैसे हो? कैसे हो गाइस? ठीक हूँ। आप पूछो गाइस से, पूछो हाय गाइस आप कैसे हो? पहले पूछो गाइस से, पूछ लो ना बेटू एक बार। चले गए। सो गाइस अब मैं थोड़ा सा चाय को एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। चाय पीने से क्या होता है? क्या होता है ज्यादा चाय पीने से? चाहे मेरी किडनी फेल हो जाए, चाहे मेरा हार्ट फेल हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन फिर भी मैं चाय पीऊंगी। चाय के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। मुझे गर्मी लग रही है, अभी मैं चाय पीऊंगी, जा रही हूं बनाने। सो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद हुआ हमारा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में हमने खाया सूजी का चीला। वैसे तो जब मैं चीला बनाती हूँ ना तो इसमें थोड़ा सा बेसन और चावल का आटा मिक्स करके बनाती हूँ बट काजल ने सिर्फ सूजी का बनाया था, हालांकि बहुत टेस्टी बना था। मिर्ची वगैरह बहुत ही अच्छे से डाली थी, तीखा इतना हो गया था कि एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, मैं उतना तीखा नहीं खा पाती हूँ, बस मीडियम खाती हूँ लेकिन यही है कि मूड बहुत ही अच्छे से फ्रेश हो गया था। तो बस हमने खाया था सूजी का चीला और ये देखिए क्या सेब बना था, इसको देख के हम बड़ी हंस रहे थे। ये मेरे को ऐसा नहीं दे रही थी कि इसका सेब ख़राब हो गया तो मैं कैसे खाऊंगी। तो मैंने बोला सेब में क्या रखा है, जो रखा है सब टेस्ट में रखा है तो जो है सो लेकर आओ। वैसे भी मुझे चीला वगैरह खाना बहुत पसंद है, मैं रोटी और चावल
मैं बहुत मतलब ब्रेकफास्ट में रोटी तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट पोहा है, और चीला मिल जाता है तो आ मज़ा आ जाता है। तो मुझे ना ब्रेकफास्ट में चीला वगैरह खाना बहुत पसंद है, जो कि आज मुझे मिला, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये जो है मैडम, इनको वीडियो में देखना बहुत पसंद है, तो इनको टिक 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 लगाए रहती है, इनको कैमरा, मोबाइल, इंस्टाग्राम, रील सब कुछ समझ में आने लगा है, शॉर्ट स्क्रॉल करना समझ गई हैं ये, तो इनको ये सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आइडिया हो चुका है। तो यहाँ पे हुआ मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट, और आगे देखिए बाबू का ड्रामा जो कि नानी के साथ कर रहा था वो। दिखा दो नानी को, कमल